पहले परछो इस प्रकार से सिंगाजी बाबा की परीक्षा हुई और सिंगाजी बाबा परमात्मा का नाम को पर अटल रहा, दृढ़ता और विश्वास का साथ रहा और परमात्मा ने उनको जो लीला करी कि पूरा धन वापस आई गो और संसार के प्रचार का माध्यम से जो सिंगाजी बाबा ने संदेश संदेश जो दई के गया कि परमात्मा को कहना चाहिए कि अगर तुम्हारा नाम पर तो हो थरा काम को पर होना चाहिए इतना विश्वास पर असहमत मानी बट जो कि अब खेत में पानी चल रो और अपन कथा में बैठी रहा कि महाराज जी ने कही कि तुम्हारे नाम पर तो हम थारा काम पर नहीं वह युक्ति बताएगा कि खेत में पानी फेरी राज तो कोई बात नहीं, वहां भी भगवान का भजन चलता रहेगा। सिंगाजी महाराज ने एकाली ग्रस्त में रही और भक्ति करी के बताया कि भैया भगवान का भजन किस प्रकार से करना है। और एक बात अरुण कि हम कथा करने के लिए सब दूर जावा पर यहां जो श्रोता कि यो आवागमन को चक्कर तो बंद ही नहीं हुई तो कल से कथा सुनने के लिए आओ तो जो जो सुनने के लिए आओ वो और कभी नहीं तो आराम से जो अपन देखा कि नहीं कि भगवान का मंदिर में आरती हुई क्योंकि इधर का मोहल्ला वाला नसी तो इनका से शिक्षा ले लियो कि इनको एक कोई सो उपवास आवाज कौन सो करवा चौथ को तो ये फलियार तो फलियार पर पानी तक नहीं पीता 12 घंटा दिन का और रात्रि का भी 12 बजे तक जब तक पूजा नहीं होती जब तक ये पानी ग्रहण भी नहीं करता जल ग्रहण भी नहीं करता तो इनका से अच्छा तो फिर इधर का लोग से अभी हम क्योंकि जब तक आकर श्रोता लोग कभी बैठे को अच्छा से कथा नहीं सुना को तो हमारा बस की बात भी नहीं कि हम कथा अच्छी सुन ही सके। ये 4 घंटा से अभी तक जब से कथा चालू हुई हिलिया नहीं बैठा जाए अपनी जगह पर और इधर आवागमन चलते जा रही अरु कोई उठी के बाहर गए अरु भीतर आया अरु बाहर गया तो हमको यहाँ से लगा कि कोई टाइम तो नहीं हुई को भैया इनको तो एक से तो फिर उधर बाहर ओटली पे बैठी रही अपन देखा कि मंदिर में आरती हो मंदिर में आरती हुई आरती साहेब तेरी किस बीत कीजिए न ओटली पे बैठे कि जरा एक बीड़ी दीजिए भैया क्योंकि वहां स्वतंत्र छे और यहाँ कथा में 4 घंटा बटना पड़े तो कथा में आओ तो भोजन कम करी का हो जाओ तो कम से कम बटना में कोई दिक्कत नहीं हो और प्यास भी नहीं लगेगा। हम भी 4 घंटा यहाँ जो बैठे आए ये तो ओमो को हल मत करो कि एक बार एक माताराम जो था आया कथा सुनने के लिए अब कथा चालू और माताराम की आंख से आंसू की धार बंधनी हुई पंडित जी को भी नजर गई माताराम के ऊपर उन्होंने कहा माताराम इतना ध्यान से कथा सुनी रही हूँ जब से कथा चालू हुई कि माताराम की आंख से आंसू की धार नहीं बंद हुई कथा होना का बाद आरती हुई और पंडित जी माताराम के पास गए कि माताराम कथा कैसी लगी कहे कि पंडित जी तुम पूछो ज मत आसो का आसो हमारा यहाँ भी एक पाइडो रेकी रेकी करने कहे कि उसका प्राण ही चलेगा तो आज तुमने भी इतनी मेहनत करी क्यों जब से कथा सुनने कहे कि चिल्ले ही रहा तो उमो को हल मत करो अगर बैठे आज तो जरा कथा ध्यान से सुनो क्योंकि हम सब दूर कथा सुनने करने के लिए जावा पर आसो नहीं देखे हमने कहे कि जब से कथा चालू है आवागमन चालू तो सिंगाजी मत क्योंकि बहुत सी काम की बात ना हो हमारा उद्देश्य सूरज के 5 दिन की कथा मने तो हमका कहीं करना है भाई खर्च लगी रोज तो तुम्हारा लगी रोज ये इतना बड़ा ताम झाम जो लगाए हमको कहीं नाचे कूद बांदरी ने खीर खाए फकीर आप इतनी मेहनत करी रहा 5 दिन जो है कथा सहज में थोड़ी हो जाए तन मन धन सब लगाना पड़े और हम तो 5 दिन आए तो 5 दिन कथा करी के चली जाओ पर 5 दिन में कोई जीव का अगर कोई काम की बात मिलेगी कि जो जीवन में काम में आवा और उसका जीवन तो कल्याण है हमारा उद्देश्य मेन यूर तो सिंगाजी महाराज को जब यो परचो पहलो परचो उपदेश होने का बाद में माता बंधु परचो पायो साचो मन याई के हाथ जो आयो यही कहे सो चलिए चाल और या की मत में होवे ना हाल कि संतन ने जो मार्ग बताई के गया उस मार्ग के ऊपर अपन चलांगा तो ओम जीव को कल्याण
मत अपार बल साध को बिरला पावे पार, अगम पंत को गम किया न कही गया खेम विचार। खेमदास जी बाबा लिखा है, अब इखा बाद में नगर हसुद में सिंगा जी बाबा रहते रहे, तो कुछ दिन बीतना का बाद में एक दिन नगर हसुद का लोग चली गए सिंगा जी महाराज के पास, और आवाज और सिंगा जी महाराज से कह के बाबा हमारा सो विचार थे कि अपन ओंकारेश्वर चला, भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए ओंकारेश्वर चला। सिंगा जी महाराज उनका कह के भैया कि तब सिंगा जी बोले निर्मल वाणी सकल तीरथ पत्थर और पानी, कि भैया तुम ओंकारेश्वर जाना की बात करी रहा तो जिस जगह के ऊपर वहां भी पत्थर की मूर्ति छे मंदिर में, और अशोक अशोक जल वहां भी छे, जिस जगह के ऊपर सिंगा जी बाबा रहता तो वहां भी शिव मंदिर तो सरस्वती कुंड के ऊपर, और वहां भी एक पास में एक नालो बहता तो सिंगा जी बाबा ने उसी समय उसी जगह को उदाहरण दियो कि ये पत्थर की मूर्ति वहां छे, ऐसा कैसा भगवान शिव जी वहां छे और अशोक अशोक जल वहां भी बही रहो, तो बोले अपन ओंकारेश्वर जाई के कई करांगा, आद ओंकार बसे सबके घट माए, जो भगवान के लिए तुम वहां जाई रहा अरे वो तुम्हारा सबका घट का भीतर। जब वहां का जो वासी हरि केशव नामा बंसी का जो इस नाम का व्यक्ति जो था वो सिंगा जी महाराज से कह के बाबा आपकी बात अलग छे, पर हमारा सो आग्रह से हमारी विनती है कि आप हमारी साथ में कभी चलोगे ओंकारेश्वर तो बहुत अच्छी बात है। जब बहुत आग्रह करने का बाद में सिंगा जी महाराज कह के भैया अब तुम नहीं मानता तो चलो तुम्हारे साथ में हो भी चलू, पर एक बात छे तुम लोग चलता रहो, तुम ओंकारेश्वर पहुंचोगे के बाद हम तुमको ओंकारेश्वर में मिल जाऊंगा। तो जब उनने इस प्रकार की बात कही तो सब लोग बोले कि बाबा आप हमको ओंकारेश्वर में मिलोगे का, तो सिंगा जी महाराज उनका कह कि नाव चढ़ता होएगा मेला अन पीछे से हम आवा, होएगा मेला ने पीछे से हम आवा के लिए। जब तुम ओंकारेश्वर में पहुंचोगा और पहला समय में पुल की व्यवस्था नहीं थी, पहला जब उस पार अगर जानो जो तीन कोस की परिक्रमा छे और ओमा जो देवी देवता छे वो देवी देवता का दर्शन करने के लिए जाता था तो नाव से जाता था, तो सिंगा जी बाबा ने कही कि जब तुम नाव में बैठोगा उस समय तुमका नाव में मिली जाऊंगा। सब लोग कहे कि भैया एक काम करो अब बाबा से हट मत करो, इनने कहे कि हम मिली जाऊंगा तो एक काम करो अपने अपने चलना की तैयारी करो। जब सब लोग ना वहां ओंकारेश्वर जाना की तैयारी कराए तो उस समय साधन में कि ट्रेन मोटर से चलांगा, उस समय में पैदल जब रास्ता लगा तो चलता चलता दिवस तीसरा ओंकारेश्वर पहुंचा। जब तीसरा दिन जब ओंकारेश्वर पहुंचा और सब मिली के गया जब नर्मदा जी का किनार के ऊपर, उन्होंने कहा चलो भैया अपन तीन कोस की परिक्रमा में सब देवी देवता का दर्शन करांगा, और जैसे नाव में बैठा और नाव में बैठना का साथ सिंगा जी महाराज के याद करके देखो बाबा ने पूर्ण कही थी कि भैया हम ओंकारेश्वर में नाव में तुमको मिलूंगा, और देखो आज बाबा आया नहीं, जहाँ इतनी सी याद कराए सिंगा जी बाबा को नाम ले कि सिंगा जी महाराज एक देह से घर बैठे आए और एक देह से नाव में प्रकट हो। जब एक देह से नाव में प्रकट हुईगा बाल गोपाल छोटा बड़ा सब नग नाव में बैठाड़ा सकल मिलकर उतरे पारा और परचो दियो यो देव कारा, सब नग मिलकर सब नग नाव में बैठाड़ा और उस पार गया, और एक बार तीन कोस की परिक्रमा में जो सब देवी देवता सबने का दर्शन कराए, चार दिन तक वहां रहे, पांचवा दिन इधर ग्यारह से लगेगा और पूर्णिमा तक रहा, और पड़वा का दिन सब लोग बोले कि बाबा अब अपन वापस अपना हसुद चला। सिंगा जी महाराज कहे कि भैया हमने तुमको कब नहीं कही, एक काम करो तुम चलो अभी हम थोड़ी देर बाद आवांगे। सिंगा जी बाबा उनको वहां से विदा करे और चलते चलते जब वो अपना नगर हसुद माया आई के जब देखा कि अपन चला तो सही बाबा अभी आया कि नहीं आई, और सिंगा जी बाबा का घर पहुंचा है। अब घर जाकर देखा तो बाबा घर बैठा है। जब सब लोग बोलने लगे कि बाबा ना आप हमारे साथ में गया, जाता समय भी संगात नहीं गया ना उतना समय भी हमारे साथ में नहीं आया, बोले एक पहले तुम हमारा से यहाँ हरसुद आएगा। जब घर का लोग सुना कि भैया कौन सी बात आए, बोले बाबा पांच दिन तक हमारे साथ ओंकारेश्वर मनाया कि भैया ये पांच दिन से घर बटिया कहीं गया नहीं आया और तुम बोल रहा कि हमारी साथ में गया था। अब सब साथी लोग बोले कि नहीं बाबा हमारे साथ में गया, घर का लोग बोले कि ये घर ही बटिया
तो संत की जो लीला रहे बहुत अपरंपार रहे। परमात्मा स्वयं बोला कि श्री हरि करते बखान संत की महिमा को संत ही जाने। संसार का बस की बात नहीं कि संत की लीला और संत की महिमा को जानी जावा। परमात्मा स्वयं बोले कि भैया संत की जो लीला रही कि जो जो कर्म लिखूं मैं जीवों का संत ही देत मिटाई और भव सागर का बंधन काटे और तो क्या लिखी जानूं मैं संत की महिमा को संत ही जाने। साख दिनी जगत में माता न माने बात आवत जात न संग किने नवा रहे हमारी साथ। सब लोग बोले कि माता हमारी साथ में 5 दिन रहा पर मातेश्वर उनकी बात भी नहीं माना कि नहीं भैया 5 दिन सी ये घर बटे आए। तो सिंगा जी बाबा ने दूसरो परचो यू दियो और एक बाद हम सिंगा जी महाराज को तीसरो परचो कौन सो आवाज कि जब इस प्रकार की लीला ने इस प्रकार का परिचय जो सिंगा जी बाबा का होने लगा तो सब दूर चर्चा फैलने का लगी। अब जब सब दूर इस प्रकार की चर्चा होने लगी तो एक बार तो ब्राह्मण देवता ने उस बात को बड़ो खेद हो कि अरे गृहस्थ में रही को इतना बड़ा संत ये तो संभव नहीं, चलो अपन चली कर उनकी परीक्षा ले। किताब पीछे विप्रदुई कुमति ठानी मांगत रिया साधु जानी। दो ब्राह्मण देवता चली गया और सिंगाजी बाबा का नगर हर्षद मावज आए नगर में आशा धारी हो साचो भगत तो ना राखे नारी आए मंदिर किए पसारा पूछे लोक से कहां बसे साध तुम्हारा। नगर हर्षद माया कि परदेसी विप्र द्वारे आए ताको भेद कोई ना पावे। अब नयो कोई व्यक्ति गांव में आवग और गांव में एक पूछे कि भैया पटेल साहब को मकान कौन सा है सरपंच साहब को मकान कौन सा है तो गांव का लोग तो बिचार रहे कि भैया हुई सके सरपंच साहब का कोई मेहमान आया होगा पटेल साहब का कोई मेहमान आया होगा। अब गांव में जब पूछता पूछता हो गया कि सिंगाजी साध का मकान कौन सोचे तो कोई ना भी बता दियो कि भैया चली जाओ आगे रोड लगी का ना गली में से ऐसा घूमी जा जाओ राम मंदिर के पास उनको मकान छे। अब चलता चलता गया और सिंगाजी बाबा का जब घर पहुंचे और घर जाई के पूछे कि सिंगाजी साथ को मकान यू जाए तो घर का लोग भी कई पहचान उन्होंने कहा हुई सके बाबा को कोई परिचित होगा उन्होंने कहा मकान तो ही जाए पर बाबा भी यहाँ घर नहीं तो बोले हमको बाबा से मिलना छे। बोले एक काम करो अभी हम खबर भेजा बाबा को बोले बुलावा। तो ब्राह्मण देवता बोले कि नहीं हमारे पास इतना समय नहीं आप तो ये बताओ कि बाबा कहाँ छे। बोले वो सरस्वती कुंड का ऊपर छे यहाँ से 1 किलोमीटर तुमको पैदल चली के जानो पड़ेगा। दो का दो ब्राह्मण चली के गया कि चले दुष्टि जब मार्ग लीनो और तिरिया मांगन को मतो जकिनो। रास्ता में चलते चलते भी एक दूसरा से विचार करे कि अपन को चली को और उनका से उनकी नारी मंगनो छे हो चाचो भगत तो न रखे नारी। अब जब वो गया और जहाँ सिंगाजी बाबा सरस्वती कुंड का ऊपर अपनी मंडली के लेकर बैठा था सिंगाजी बाबा सबका बीच में बैठा था और दूर सी नजर उनकी पड़ी उन ब्राह्मण देवता ना के ऊपर। सिंगाजी बाबा अंतर्यामी समझेगा कि ये जो पंडित जी आई रहा और ये जो आई तो राज और जिस प्रकार से परीक्षा लेने के लिए आई रहा और यहाँ एक और इस प्रकार की बात कही कि हम तुम्हारी नारी मंगने के लिए आया है तो सिंगाजी महाराज तो उनकी बात को समझी गा था पर बोले या सभा सारी में आई और इस प्रकार की बात कही तो साथी लोग मारी मारी के इनके हालत बिगाड़ देगा। तो सिंगाजी बाबा को वो पास मने आए जब तक सिंगाजी महाराज उठी के ब्राह्मण देवता ने का पास गया और जय को उनका कहे कि भैया पंडित जी तुमने इतनी तकलीफ करी कि 1 किलोमीटर चली और पैदल तुम आया और जेखा लेने तुम आया था। सिंगाजी महाराज उनका कहे कि वा सतवंती आज्ञा नहीं मेटा पर तुमने शब्द रमायो नहीं कि वासवंती को भिन्न नहीं भाव अन बहुत भाव से करती महाराज इनको कह के भैया वा सतमंती आज्ञा नहीं मेटे पर तुमने शब्द रमाए नहीं ठेठे। अब बात ध्यान से समझो बहुत काम की बात छे कि सतवंती सिंगाजी बाबा ने किनके कही थी। सिंगाजी महाराज ने सतवंती या स्वासा को बताए उनका जो संकेत दियो कि जेखा लेने तुम आया वा सतवंती आज्ञा नहीं मेटे और पर तुमने शब्द रमाए नहीं ठेठे वा सतवंती को भिन्न निभाओ बहुत भाव से करती से।
क्योंकि सबके जो श्वास से परमात्मा ने संसार के अंदर कभी कोई कर्म के अनुसार एक आंख से कोई अंधो हो, एक हाथ से कोई लुलो, एक पांव से कोई लंगड़ो, पर श्वास परमात्मा ने सबको दी और श्वास परमात्मा ने सबको दी और सबकी श्वास जो जो परमात्मा का नाम का अलावा या श्वास का दूसरी भाषा नहीं होती या श्वासा में परमात्मा को नाम चले पर अपना घर की वस्तु को ज्ञान अपूर्ण के नहीं होती। जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी रहे और उस मृग का जब की खुशबू आवाई तो की खुशबू में वो भागे भागे फिरज की इतनी अच्छी खुशबू या सुगंध इतनी अच्छी आई कहां से रही और जब भागी भागी को वो थकी जाए और थकना के बाद वो जब लेटी जाए और फिर वो पतो चले के हो जेखा लेना भागी रहते हो जब सुगंध की खोज में हो जाए रहते हो वो तुम्हारा पास ही सी। इसी प्रकार से और मृग भी हर मृग की नाभि में कस्तूरी नहीं रहती। इसी प्रकार से हर मनुष्य का भी यो ज्ञान नहीं रहते कि श्वास जो जे परमात्मा को नाम किस प्रकार से ले, क्योंकि वो ज्ञान क्यों नहीं रहते कि कभी कोई गुरु की शरण बनी जाए और वो ज्ञान कुण कराड़ गुरु कराड़। क्योंकि मनुष्य जो छे संसार में उनका अभी तो बहुत समय से अपना धन जोड़ना को समय से अभी भजन करना को नहीं है। देखांग जब फुर्सत मांग जब भगवान का भजन करांग और फुर्सत कभी जीवन भर नहीं मिले। सिंगा जी बाबा कह की आयो अवसर चुको मती, यो अवसर चुकेगा तो दोबारा मिलने वालों नहीं, क्योंकि अवसर को भी अपन का अच्छा से ज्ञान हो जाए कि जब बरसात का समय में अपन देखा कि बोने को समय आवा और जो किसान कभी तक चुकी जाए तो पूरा चार महीना बिगड़ी जाए कि कई करा सोयाबीन बोया तो सही पर दो दिन लेट होगा, जिना दिन बोई गया उन दिन पानी को ठोको पड़ी गो तो पूरे दबड़ो फिर गया और डबल से बोई तो वह बिल्कुल जमीनी। तो इसी प्रकार से एक भी एक समय रहे एक अवसर रहे और अवसर चुकेगा कहल से कि तक चुके किसान और डाल चुके बंदर। क्योंकि द्रौपदी जो थी एक बार अम्र ऋषि जल में जब स्नान करी रहा था और द्रौपदी जल भरना के लिए जब गया तो द्रौपदी कुछ लेट हुएगा ना उनका पहले जो उनकी जो सकी ने थी वो पहले पहुंचेगी तो अम्र ऋषि उनके बोला है कि आप में से कोई मका एक सवा हाथ चीर दे दे, बोले हमारा वस्त्र बही गाय आप सवा हाथ चीर दे दो आपकी साड़ी मसी तो बोले हम जल्द से बाहर ही जाओ। तो द्रौपदी की जो सकी न थी ना बोले वो द्रौपदी जो पीछे ओखा से मंग जाओ और ओखा पास जो महंगी साड़ी छे वाइस तुमका देगा। तो द्रौपदी जब आवाज और द्रौपदी आवाज तो अम्र ऋषि द्रौपदी से बोले कि मगर ज्यादा ने एक सवा हाथ चीर दे दे, क्योंकि जो सकी नहीं थी ना वो विचार करे कि अरे इतनी अच्छी महंगी साड़ी और फाड़ी का कसा दे जाओ और अब यहाँ से घर भी दूर छे पास मो तो जय कर ही होता विचार करे और द्रौपदी ने वहां ये अवसर नहीं देखे ये बात पर विचार नहीं करे कि महंगी चे की सस्ती उसी समय साड़ी मसी चीर फाड़ी को और अम्र ऋषि को दे दे और अम्र ऋषि ने यो वरदान दियो कि जाओ जब कभी समय आओगा जब कभी वक्त आओगा तो एक तार का सर तार पर। तो इसी प्रकार से अपुन नक भी परमात्मा ने ये समय दिए या भूल नहीं करना है कि जब समय आवेगा नहीं ये समय तो चलतो जाई रो समय बीत तो जाई रो जो भी स्थिति जो भी समय में जब भी भगवान का भजन हो जाए करता रहे नहीं तो जब समय आवेगा कौन सो समय कि पिछला दिन पड़ेगा भारी अन फिर साई बिन कौन लेगा जब वृद्ध अवस्था आवेगा और जब सब दूर से निर्बल हो जाऊंगा उस समय कहूंगा कि हे भगवान तो वो सुनेगा क्या नहीं सुनेगा। और द्रौपदी ना दियल तो द्रौपदी को और जब समय आयो कि द्रौपदी को जब चीरहरण को समय आयो उस समय सभा के अंदर बड़ा बड़ा महारथी पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य पांच पांडव इतना इतना बड़ा महारथी बैठा था और द्रौपदी ने जिनका तरफ नजर डाला वो भी सिर झुके झुके कर नीचे देखा बाकी द्रौपदी के वहां कोई ने सहायता नहीं करी। तब द्रौपदी ने भगवान से कही कि प्रभु तुम नहीं आओ तो कोई बात नहीं पर मारो दियल तो मखा दे
और द्रौपदी को दियल छे कि कंचन दिया कर्ण ने द्रौपदी दियो चीर और जो दिया सो पाइया ने कही गया दास कही। जब द्रौपदी ने भगवान से पुकार लगे कि हे प्रभु तुम नहीं आओ तो कोई बात नहीं पर मारो दियल तो मख दे दियो। द्रौपदी हाथ जोड़ी कर भगवान के पुकार लगावज कि महारा दीन बंधु भगवान ओ मारा दीन बंधु भगवान लाज मारे राखो बनवारी अर भरी सभा दरम्यान द्रौपदी रोवा बेचारी कर पांचाली नारी भरी सभा दरम्यान दुधन कर पांचाली नारी।
ਰੋਵਾ ਵਿਚਾਰੀ
बोली गुरु सिंह जी महाराज जी की।